फ्रेंड्स आज मैं लेकर के आई हूँ बड़े और बच्चों दोनों के लिए बहुत इजी और बहुत टेस्टी स्नैक। ये अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरा होता है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं मैगी स्प्रिंग रोल्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर्स विद श्रुति। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच ऑयल का लिया है। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप कटा हुआ प्याज। इसे आप 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। प्याज अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप मटर का। ये मेरे पास फ्रोजन मटर थी। मटर को अच्छे से हम पका लेंगे। अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप कैबेज का। ये मेरे पास थोड़ी सी येलो शिमला मिर्च थी, इसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इन सभी चीज़ों को आप मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप स्वीट कॉर्न का। ये पहले से बॉईल करे हुए कॉर्न्स हैं। आप जो भी चाहें अपने मनपसंद सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 सैशे मैगी मसाला के। ये मैगी मसाला आपको मैगी पैकेट के अंदर ही मिल जाता है। इन मसालों को आप लो मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी का। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और लो मीडियम फ्लेम पर तब तक कुक कर लें जब तक कि इसमें एक बॉईल ना आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 पैकेट मैगी का। आपको मैगी को तब तक पकाना है जब तक कि पानी बिल्कुल एब्जॉर्ब ना हो जाए और मैगी आपकी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। फ्रेंड्स यहाँ पर मैगी अच्छे से पक गई है, लेकिन हमको थोड़ा पानी दिख रहा है मैगी में, तो उसे मैं मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए और अच्छे से कुक कर लूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने स्प्रिंग रोल शीट ले ली है, जो आपको किसी भी सुपरमार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैगी। अब हमने इसमें ऐड किया है पिज्जा चीज। फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा स्टफिंग नहीं करनी है, नहीं तो आपके रोल्स फट सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम इसके साइड में पानी लगा देंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्प्रिंग रोल का शेप दे देंगे। आपको इसके साइड को अच्छे से प्रेस करके फोल्ड करना है, जिससे कि आपके स्प्रिंग रोल्स बिल्कुल भी फ्राई करते समय नहीं ओपन हुए।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे स्प्रिंग रोल्स बना के रेडी कर लिए हैं। अब मैंने पैन में फ्राई करने के लिए ऑयल ले लिया है, जिसे मीडियम हीट पर अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्प्रिंग रोल्स। फ्रेंड्स, आपको इसको लो मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। ध्यान रखें कि इसकी कवरिंग बहुत थिन होती है, तो इसे बहुत तेज आंच में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करें। फ्रेंड्स, मैगी स्प्रिंग रोल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे मैगी स्प्रिंग रोल्स बनके तैयार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, पार्टीज में ट्राई करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।